नमस्कार। 20 दिसंबर की 10 बड़ी खबरें देखिए खबर एसएस के साथ। ईपीएफ के नियमों में काफी फेरबदल सरकार द्वारा किया गया। ईपीएफ का पैसा अभी तक 60 वर्ष से कम उम्र में भी वीआरएस देकर लोगों द्वारा निकाल लिया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। 60 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाला जाएगा। देशवासियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार द्वारा बीमारी के लिए लैब टेस्टों को भी दवाइयों जैसा सस्ता कर दिया गया। अभी तक लैब टेस्टों में जो बड़े बीमारियां जैसे डेंगू, हेपेटाइटिस, मलेरिया, इन पे बड़ा पैसा खर्च होता था, अब इनको भी दवाई जैसा सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी पर बुधवार से रोक लगी हुई है। पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। देशी राजनीति में आज बिहार में महागठबंधन हो सकता है, इसका फैसला हो सकता है। आधार कार्ड पर भी कोई दबाव नहीं डलेगा। किसी भी जगह अब आप अपने बगैर आधार कार्ड के आईडी के अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप पर आधार कार्ड के आईडी के लिए दबाव बनाया जाता है किसी भी बैंक द्वारा, किसी भी सरकारी दफ्तर द्वारा, किसी भी प्राइवेट फर्म द्वारा, तो उन पर जुर्माना लग सकता है। वाहन चालकों के लिए एक नई और अच्छी खबर आ रही है कि अब उन्हें आरसी और अन्य कागजात साथ नहीं रखने पड़ेंगे। अब वाहन चालकों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, जो वो जांचकर्ता पुलिस वालों को दिखा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है, उन्हें सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलेगा। मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये घोषणा करी है कि पुलिस वालों को भी सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। राजस्थान में भी किसानों को कर्जा माफ का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तरह राजस्थान में नव निर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का ऐलान किया है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, मध्य भारत में कोहरा देखने को और अधिक मिल सकता है। यहाँ ठंड और अधिक बढ़ सकती है। महागठबंधन पर आज हो सकता है देश में एक बहुत बड़ा फैसला, जिसके लिए शाम तक मीटिंगें रखी गई हैं। अभी देखिए आपने खबर एसएस की एक रिपोर्ट।